बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया और इस नोट में उन्होंने किए कुछ ऐसे सवाल और पूछे कुछ ऐसे जवाब जो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने पिछले साल 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया था, और उनके बाद से सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच मुंबई पुलिस ने की और अब ये केस सीबीआई के हाथ है, जहां पर सीबीआई कर रही है सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच। श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने इस इंस्टा अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने एक नोट लिखा। इस नोट को उन्होंने वेडनेसडे को शेयर किया और यहाँ पर उन्होंने कई सारी बातें भी कही। क्या है पूरी खबर तो बता दें, इस पोस्ट में श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा है कि देयर इज सो मच दैट नीड्स टू बी सेड बट नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, देयर इज अ माउंटेन टू बी अ क्लाइम्ड बट नो सेट पाथ इज डिफाइंड, द वॉरियर इन मी इज ऑल ग्रीफ स्ट्रिकन एंड विथर्ड but the unwavering faith inside is not ready to flicker, my heart clamors I am falling into an abyss, I need to heal, my mind says I haven't found closer the answer to deal, there is no end in sight but have questions that will never ever subside। ये पोस्ट श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए किया और यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही जिससे पता चलता है कि भले ही सुशांत सिंह राजपूत मामले को 9 महीने का वक्त बीत चुका है, बहुत ही जल्द इस मामले को 10 महीने का वक्त भी बीत जाएगा। सुशांत सिंह मामले पर अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुकी है बहन श्वेता सिंह कीर्ति और सवाल कर रही है खुद से ही कि मुझे अब इन सब से निकलने के लिए खुद को हील करना पड़ेगा और उसके लिए ये सब कुछ तब होगा जब यहाँ पर मेरे भाई सुशांत को इंसाफ मिलेगा या मेरे माइंड को थोड़ी सी शांति मिलेगी। इन सब चीज़ों से हटकर मुझे कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग करना होगा, ताकि मेरे अंदर जो भी हो रहा है, मेरे अंदर जो भी गुजर रहा है मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए, वो सब उन सब चीज़ों के लिए मैं कुछ नया कर सकूं और अपने भाई सुशांत को इंसाफ दिला सकूं। और जब तक इंसाफ मेरे भाई को नहीं मिलेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट लाइफ से रोशनी की रिपोर्ट।